दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है अपने फोनपे ऐप में। यहाँ फोनपे ऐप मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे चेक बैलेंस पर क्लिक करता हूँ। बैलेंस चेक करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जाता हूँ या आपका जो भी बैंक है उस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे मैं UPI पिन एंटर करता हूँ, उसके बाद टिक करता हूँ। यहाँ पे फैचिंग बैलेंस लिखा रहा है, उसके बाद हमको ये इंटरफेस देखने को मिलता है अनेबल टू फैच बैलेंस, और यहाँ पे लिखा होता है नीचे टेक्निकल इशू। और टेक्निकल इशू अभी कौन से बैंक में आ रहा है उसका नाम लिखा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज़्यादातर प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे हमको शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे योर रिक्वेस्ट फेल ड्यू टू ए टेक्निकल इशू, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे ये लिखा हो रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है फेल हो गई है टेक्निकल इशू की वजह से। अब टेक्निकल इशू क्या चलता है मैं आपको बताऊँ। टेक्निकल इशू ज़्यादातर बैंक में सर्वर्स की प्रॉब्लम को हम टेक्निकल इशू कह देते हैं। तो यहाँ पे बैंक के जो सर्वर है वो कभी कभी गायब हो जाते हैं। आप चाहे तो ये एंटर UPI पिन पर क्लिक करके आप दोबारा से UPI पिन डाल के बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस चेक यहाँ पे फिलहाल नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पे रुपये सेंड हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बैंक में सर्वर नहीं आ रहे। अब ये प्रॉब्लम कब ठीक होगी? जब हमारे बैंक के सर्वर ठीक हो जाएंगे, वहाँ की टेक्निकल इशू जो है फिक्स हो जाएगा, जब हमारे जो हम यहाँ पे बैंक में बैलेंस भी चेक कर पाएंगे और पैसे भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जो पेमेंट हमको बिल वगैरह के रिचार्ज वगैरह करने हैं वो सारे पेमेंट यहाँ पे हम कर पाएंगे। तो हमको वेट करना होगा। अब वेट कितना करना होगा? या तो हो सकता है 1-2 घंटे में ही फिक्स हो जाए आपकी प्रॉब्लम, उनके बैंक के सर्वर लौट आए, या हो सकता है 1-2 दिन भी लग सकते हैं। ये जितना भी टाइम उनकी तरफ से लगना होगा वो लगेगा ही। चाहे तो आप कस्टमर केयर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कितना टाइम यहाँ पे आपको लगने वाला है, वो आपको एग्जैक्ट टाइम बता देंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा।